नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियम शंकर झा। सबसे पहले मुख्य समाचार। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 24,57,235 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट किया पेश। भारत को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण बजट की मुख्य बातें। बजट के जरिए पूरा होगा भारत के विकास का लक्ष्य, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। यह है 21वीं सदी के भारत का बजट। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, आम बजट के जरिए सशक्त और समृद्ध भारत के सपने को किया जाएगा साकार। और बजट पर राज्य में राजनीतिक दलों की मिलीजुली प्रतिक्रिया, युवाओं ने बजट का किया स्वागत। अब खबरें विस्तार से। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लोकसभा में वर्ष 2019-20 के लिए नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का 24,57,235 करोड़ रुपए का केंद्रीय बजट पेश किया। बुनियादी ढांचे का विकास, भारत को 50 खरब डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनाने की परिकल्पना, किसान कल्याण और जल सुरक्षा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पहले बजट की मुख्य बातें हैं। उन्होंने कहा कि एनडीए सरकार ने न्यू इंडिया की शुरुआत कर दी है और दुनिया को दिखा दिया है कि रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म का सिद्धांत सफल हो सकता है। भारत की अर्थव्यवस्था को 50 खरब डॉलर की अर्थव्यवस्था में बदलने की परिकल्पना प्रस्तुत करते हुए बजट में ग्रामीण जीवन में बदलाव लाने, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर प्रणाली को आसान बनाने, विभिन्न प्रकार के संपर्क के जरिए बुनियादी ढांचे को मजबूत करने, भारत की आंतरिक क्षमताओं के उपयोग और सॉफ्ट पावर के रूप में भारत के विकास का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि 2014 में जब एनडीए सरकार सत्ता में आई तो भारतीय अर्थव्यवस्था 18.5 खरब डॉलर की थी और 5 साल के भीतर यह 27 खरब डॉलर की हो गई है। बजट में अगले दशक के लिए सरकार के 10 साल के विजन को भी प्रस्तुत किया गया है। इसके अंतर्गत मौलिक और सामाजिक अवसंरचना के विकास, डिजिटल इंडिया, प्रदूषण मुक्त भारत, मेक इन इंडिया, जल प्रबंधन और नदियों की सफाई, अंतरिक्ष कार्यक्रम, खाद्यान्न आत्मनिर्भरता और निर्यात बढ़ाने, स्वस्थ समाज और जन भागीदारी के साथ टीम इंडिया भावना को विकसित करने की बातें कही गई हैं। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि भारत की आत्मा गांव में बसती है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष जब हम गांधी जी की 125वीं वर्षगांठ मना रहे हैं तो हमें अपने सभी प्रयासों में अंत्योदय को प्राथमिकता देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार के हर प्रयास का केंद्र बिंदु गांव, गरीब और किसान है। वित्त मंत्री ने ग्रामीण परिवारों का जीवन बदलने वाली उज्ज्वला और सौभाग्य योजनाओं का जिक्र करते हुए आश्वासन दिया कि 2022 यानी भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर प्रत्येक ग्रामीण परिवार को बिजली और रसोई गैस उपलब्ध हो जाएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि गांधी जी की 150वीं सालगिरह के अवसर पर 2 अक्टूबर को राजघाट में राष्ट्रीय स्वच्छता केंद्र का उद्घाटन किया जाएगा। उन्होंने आशा व्यक्त की कि भारत इस साल गांधी जयंती तक खुले में शौच की कुप्रथा से पूरी तरह मुक्त हो जाएगा। 2 करोड़ रुपए तक की व्यक्तिगत आमदनी पर आयकर में बदलाव का कोई प्रस्ताव नहीं है। 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए की कर योग्य आय वाले व्यक्तियों पर लगने वाले अधिभार में 3% की वृद्धि की गई है। 5 करोड़ से अधिक कर योग्य आय पर अधिभार में 7% की वृद्धि की गई है। वर्ष 2019-20 के बजट में बुनियादी ढांचे के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया है। सड़क, रेल, जल परिवहन और हवाई संपर्क बढ़ाने के कार्यक्रमों के लिए बजट में आवश्यक प्रावधान किए गए हैं। भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण की शुरुआत की जाएगी, जिसके अंतर्गत देशभर में सड़क संपर्क का विस्तार किया जाएगा। हवाई परिवहन और पोत परिवहन के विकास का भी लक्ष्य रखा गया है। रेल परिवहन के क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास में सरकारी निजी भागीदारी के जरिए रेल नेटवर्क बढ़ाने की बातें कही गई हैं। बजट में प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत 81 लाख मकानों के निर्माण के साथ साथ किराए के मकानों की संख्या बढ़ाने के लिए किराएदारी
कानून को अंतिम रूप देने की भी बात कही गई है। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अंतर्गत दूसरे चरण में करीब 2 करोड़ मकानों के निर्माण का प्रस्ताव है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लक्ष्य प्राप्त करने की अवधि कम कर दी गई है और इस कार्यक्रम के 2022 के बजाय 2019 में ही पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। पर्यावरण के अनुकूल टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हुए सड़कों के निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है। रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की भी घोषणा बजट में की गई है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा। किसानों के कल्याण के प्रति अपनी वचनबद्धता दोहराते हुए वर्ष 2019-20 के बजट में अनेक प्रावधान किए गए हैं। प्रधानमंत्री मछली संपदा योजना के अंतर्गत बुनियादी ढांचे के विकास, आधुनिकीकरण, उत्पादन, उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ाने की बातें भी कही गई हैं। कृषि आधारित ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बांस, शहद और खादी वस्तुओं पर विशेष ध्यान देने की बात भी बजट में बताई गई है। 2019-20 के बजट में 50,000 शिल्पकारों को सक्षम बनाने के लिए 100 नए क्लस्टर बनाने का भी कार्यक्रम है। जल जीवन मिशन के अंतर्गत 2024 तक हर घर जल कार्यक्रम के अंतर्गत सभी ग्रामीण परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए स्थानीय स्तर पर प्रबंधन, वर्षा जल संचय, भूमिगत जल का स्तर बढ़ाने पर भी ध्यान दिया गया है। व्यक्तिगत आयकर की दरों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वित्त मंत्री ने कॉरपोरेट कर लागू होने की 25% की न्यूनतम सीमा 250 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 400 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया है। इससे 99% कंपनियां इसके दायरे में आ जाएंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह बजट 21वीं सदी के भारत का बजट है। देश की महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी टीम को मैं सिटीजन फ्रेंडली, डेवलपमेंट फ्रेंडली और फ्यूचर ओरिएंटेड बजट के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। ये देश को समृद्ध और जन जन को समर्थ बनाने वाला बजट है। इस बजट से गरीब को बल मिलेगा, युवा को बेहतर कल मिलेगा। इस बजट के माध्यम से मध्यम वर्ग को प्रगति मिलेगी, विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। इस बजट से टैक्स व्यवस्था का सरलीकरण होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर का आधुनिकीकरण होगा। ये बजट उद्यम और उद्यमियों को मजबूत बनाएगा, देश के विकास में महिलाओं की भागीदारी को और बढ़ाएगा। ये बजट शिक्षा को बेहतर बनाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और स्पेस रिसर्च के लाभ को लोगों के बीच पहुंचाएगा। इस बजट में आर्थिक जगत के रिफॉर्म भी हैं, आम नागरिक के लिए ईज ऑफ लिविंग भी है और साथ ही गांव और गरीब का कल्याण भी है। ये बजट एक ग्रीन बजट है, जिसमें पर्यावरण, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, सोलर सेक्टर पर विशेष बल दिया गया है। पिछले 5 साल में देश निराशा के वातावरण को पीछे छोड़ चुका है, उस वातावरण से बाहर निकल गया है। आज देश उम्मीदों से भरा हुआ है, आत्मविश्वास से भरा हुआ है। बिजली, गैस, सड़क, गंदगी, भ्रष्टाचार, वीआईपी कल्चर, अनेक अनेक कठिनाइयां सामान्य मानवी को अपने हक के लिए जद्दोजहद की जिंदगी, यानी एक प्रकार से खुद से ही उसको जूझना पड़ता था, उसको कम करने के लिए हमने लगातार प्रयास किए हैं, सफलता भी मिली है। आज लोगों के जीवन में नई आकांक्षाएं और खूब सारी अपेक्षाएं हैं। ये बजट देश को विश्वास दे रहा है कि इन्हें पूरा किया जा सकता है। ये विश्वास दे रहा है कि दिशा सही है, प्रोसेस ठीक है, गति सही है और इसलिए
लक्ष्य पर पहुंचना भी निश्चित है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में बजट पेश करने के बाद पत्रकारों से बातचीत की। दिस बजट विच इज द फर्स्ट वन फॉर दिस टर्म ऑफ द गवर्नमेंट इज प्रेजेंटेड विद अ 10-year विजन इन माइंड। द 10-year विजन इज ऑल्सो अ पॉइंट ऑफ कंटिन्यूटी फ्रॉम द इंटरिम बजट वेयर द specifics of what we expect to achieve in 10 years is very well narrated. I recalled them. And also what is attainable as a target within 5 years, which is in short, in a concise form, we say $5 trillion economy, but that is only to indicate that within 5 years, the major steps that we are going to take towards achieving that kind of a level. So the emphasis is very clearly on overall development of the economy, where you're looking at rural initiatives, all of which will give a certain dynamic to the rural area and therefore contribute to the growth. Similarly, we looked at ways in which urban living can be bettered and what were the ways in which we were going to spend money both in urban and rural in the name of infrastructure, in the name of building better cities, better villages, facilities, and so on. In this, in every one of the point, there is an aspect of effectively managing the challenges that we have on an environment. That's why there's emphasis on waste to energy, waste to wealth management, and so on, all of which in terms of what kind of a particular benefit it is going to give will have to be calibrated with the particular benefit together with the collaterals which are more important. So all of which is aimed at the broad picture of the new India, where we are saying it's going to be a better India with all kinds of facilities, which are just not building one bridge, but because you're building it in a green way, is going to have an impact on all of the aspects of ease of living. Like the way we constantly talk about environment, water pollution and degradation and so on. So that is why the budget presentation format also was 10-year vision, 5-year target, and the 5-6 areas through which we are elaborating on the various schemes, whether it is Grameen Bharat, whether it's Urban Bharat, whether it's looking at youth. So it's not just I've launched XYZ schemes in different areas, but it's a comprehensive picture of that entire segment or sector of society being improved upon. सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि आम बजट के जरिए सशक्त और समृद्ध भारत के सपने को साकार किया जा सकेगा। ये बजट सभी लोगों के लिए और देश के लिए बेहतरीन बजट है। देश के विकास को पिछले 5 साल में जो गति मिली उसको आगे ले जाने वाला और सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास पाने वाला, जीवन की दिक्कतें दूर करने वाला और देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी यानी 5 लाख करोड़ डॉलर्स की इकोनॉमी बनाने का जो भारत ने संकल्प लिया है वो कैसे पूरा होगा उसका इसमें यथार्थ दर्शन है। और इसमें किसानों को हर साल 6,000 रुपये 14.5 करोड़ किसानों को मिलेंगे, जो MSP होता है फसलों की कीमत 24 खरीफ फसलों की कीमत जो लागत मूल्य है उससे 50% से भी अधिक बढ़ाई है। किसान को पेंशन भी घोषित किया है, किसान का कर्जा जो बैंकों से मिलता है वो भी बढ़ाया है, 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस वो तैयार करने की बात है, इनाम मंडी जो है उसकी बात है और एक मत्स्य संपदा नया आयाम मिले किसान को, ये किसान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है।
मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने संतुलित समावेशी और विकास परक बजट पेश करने के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को बधाई दी है। उन्होंने कहा कि यह बजट मजबूत देश के लिए मजबूत नागरिक की संकल्पना को दर्शाता है। वहीं विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने बजट को कल्याणकारी, ऐतिहासिक, क्रांतिकारी, सर्वांगीण विकास वाला बजट बताते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस संतुलित बजट के लिए बधाई दी है। उधर प्रदेश कांग्रेस का कहना है कि आम बजट आशावादी नहीं है और बजट में उत्तराखंड की उपेक्षा की गई है। बजट बहुत आशावादी नहीं है, जिस तरह उत्तराखंड की उसमें उपेक्षा की गई है। उत्तराखंड को बड़ी आशाएं थी, ये जिस तरह का बॉर्डर एरिया है, बॉर्डर प्रदेश है, चाइना बॉर्डर लगता है, नेपाल बॉर्डर लगता है, लेकिन इसके विशेष कोई पैकेज ऐसा व्यवस्था नहीं है कि उत्तराखंड को हम विशेष व्यवस्था दें। उधर भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता शादाब शम्स ने बजट को प्रदेश की दृष्टि से महत्वपूर्ण बताया है। ये बढ़ते हुए भारत का बजट है और ये बजट है उस आम हिंदुस्तानी का जो इसे विश्व गुरु बनने का सपना जिसने देखा था कि मेरा भारत विश्व गुरु बने। जिस तरह से आय दुगनी करने की बात किसान की कही कि किसान की आय दुगनी कर दी जाएगी, अब उसके खेतों में सोलर प्लांट भी लगाए जाएंगे। जहां खेती होगी वहां खेती होगी, जहां बंजर जमीन होगी जो जमीन उपज नहीं दे पाएगी वहां सोलर प्लांट लगाए जाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का इशारा सीधा सीधा उत्तराखंड की तरफ है कि वाटर पानी जल संचय के लिए उत्तराखंड इस काम को अग्रिम भूमिका इस क्षेत्र में निभाएगा। मुझे लगता है उत्तराखंड के लिए बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं और पूरे देश की निगाह उत्तराखंड पे है और उत्तराखंड की अब निगाह हिंदुस्तान के फलक पे है। मुझे लगता है अब हम लीडिंग प्रदेश बनने जा रहे हैं और जो जो बजट में मिलेगा उस सब में हमारा बराबर का हिस्सा। वहीं समाजशास्त्री मुकुल उनियाल ने कहा कि बजट में सभी वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया है। इसकी बहुत काफी बजट की जो इनका काफी विजन का काफी ऊंचा काफी महत्वाकांक्षी बजट है और इस चारों तरफ से हर क्षेत्र के लिए हर वर्ग के लिए इसमें बजट के लिए सकारात्मक जो है पहलू दिखाई देते हैं। मुझे एक चाहे कृषि क्षेत्रों सब ज़्यादा ध्यान देते हैं, कृषि पे आ रहा है, कृषि को क्षेत्र पे किसानों के लिए जो इसमें प्रावधान आए हैं, महिलाओं के लिए आए हैं, जो स्वच्छ भारत का पूरा इन्होंने जो दिया है 95% जो है OFD हो गए हैं सारे के सारे जो शहर, तो इसको काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है बजट से। तो काफ़ी अच्छा महत्वाकांक्षी बजट है और उसी हिसाब से जनता की उम्मीदें भी काफ़ी इस बजट से हैं, इस सरकार से। वहीं बजट में शिक्षा के क्षेत्र में किए गए प्रावधानों का युवाओं ने स्वागत किया है, प्रस्तुत किया है। उसके अनुसार अगर देखा जाए तो पहले भी सरकार ने बहुत काम किया एजुकेशन के क्षेत्र में। जैसे अभी लास्ट अगर बात करें तो स्वयं मैं आपके साथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का वो काफ़ी अच्छा था। उसके अनुसार अगर देखें तो हम कहीं भी किसी भी तरह इंटरनेट के उपयोग से लेक्चर्स अटेंड कर सकते हैं, क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं और मैंने खुद भी उसमें एनरोल किया था तो उसका मुझे काफ़ी फ़ायदा दिखाई दिया। और अगर ऐसे ही वो काम करती रहेंगे तो हमारी एजुकेशन लेवल पर काफ़ी बढ़ोतरी होगी। सरकार ने शिक्षा के लिए बहुत कराया है, जैसे सरकार ने अपना बजट इस बार भी काफ़ी अच्छा दिया है शिक्षा के प्रति, और ऐसी सरकार यूथ के लिए और बच्चे के लिए करती रहे तो इंडिया के लिए बहुत अच्छा रहेगा।